नहीं, बोला ना नहीं। सुनो, सो गए क्या? नहीं नहीं, उठाओ आओ। जगरे से तो एक ग्लास पानी ले आते। पानी? इंसान थका हारा ऑफिस से घर आए और सोने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें पानी पीना इतनी रात को? मैं सो रहा हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करियो। ट्वीट 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 एसएमएस। कितनी बार बोलू नहीं? लाइट बंद कर रहा हूं। नहीं, खुद कर ले लाइट बंद। गुड मॉर्निंग। क्या है? चाय। तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? अरे बहुत। सच सच बताओ ना। जब तुझे पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो फिर सुबह सुबह सच सुन के क्यों अपना दिन खराब करना चाहती है? उस दिन तो तुम कह रहे थे तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। यार ये शराब छोड़नी पड़ेगी। क्या क्या चाहिए तुझे? मार्केट में ना नया कोरोना वायरस आया, बोल तो ले आता हूँ 5 ग्राम। 5 मिनट हाथ पे मलो, कंफर्म डेथ। लिख रहा हूँ। मजाक मत करो ना। शुरू किसने किया? किसने शुरू किया? छोड़ो। उस दिन ना मैं पिक्चर देख रही थी तो उसमें ना हीरो हीरोइन से बोल रहा था कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ तुम्हारे लिए चांद भी तोड़ के ला सकता हूँ। तुम मेरे लिए चांद तोड़ के ला सकते हो? चांद? वो आसमान वाला चांद? किधर? चाय रखी टेबल पे। क्या हुआ? रखो रखो, अच्छी नहीं है क्या? अरे रखो रखो रखो, लाओ हाथ धो। मैं तुम्हें चांद जैसी लगती हूँ? नहीं, ये शीशे में ना अपना थोबड़ा देख और औकात के हिसाब से चीजें मांगे कर। और सुनो, अब महाराज जग चुके हैं तो उनके लिए नाश्ते का प्रबंध किया जाए, वरना अभी सेनापति से कह के ना 100 कौड़े लगवाएंगे तुमको। ऐसी गलत जगह को नहीं मारूंगी ना कि महाराज का घोड़ा कभी दौड़ नहीं पाएगा। ये लो अपनी तलवार और घर में जो तुम्हारी प्रजा फैली हुई है ना उसको जाकर साफ करो। आज मैं एक काम नहीं करूंगी। उठो। हाँ हाँ ठीक है, करूंगा सारे काम। तुझे क्या लगता है मैं घर के काम नहीं कर सकता? 4 साल हॉस्टल में रहूं, वो भी अकेला। झाड़ू बर्तन पोछा सब करना आता है मुझे, और तेरे से अच्छा करना आता है। देखियो, अच्छे से करके दिखाऊंगा। बढ़िया ही, काम नहीं कर सकता क्या मैं? तेरे को दिखाता हूं मैं।
सिंपल। कौन है? कोई नहीं है बेबी। अरे बेल किसी ने तो बजाई होगी ना। कोरोना वायरस है बाहर, तुम एक काम करो अंदर चलो जल्दी। कोरोना वायरस? अरे मुझे भी तो देखने का मौका मिलना चाहिए। अरे क्या बाहर का मदारी का खेल हो रहा है कि मुझे भी तो देखने का मौका मिलना चाहिए। चलो अंदर जल्दी। अरे यार मेरे को अंदर नहीं जाना, तुम हट। आलू कच्चालू बेटा कहाँ गए थे? बंदर की झोपड़ी में सो रहे थे। बंदर ने लात मारी रो रहे थे और दीदी ने चॉकलेट दी तो। यार ये तो याद नहीं किया था, दीदी ने चॉकलेट दी तो हंस रहे थे। अरे दीदी ने चॉकलेट दी तो खा गए थे। ओह माय गॉड दीदी। दीदी जिया जी कहाँ चले गए? अभी तो इधर थे। नीचे देख। अरे जिया जी ग्राउंड फ्लोर में क्या कर रहे हो? अरे मेरे ऊपर से हट। मेरे ऊपर से हट। आओ आओ। ये क्या बचपना है, आते ही घर में एकदम उधम मचा के रख दिया। बाहर इतनी बीमारियां फैली हुई हैं। सबसे पहले तो तू ये सैनिटाइजर ले, हाथ आगे कर। अरे जी आई नीट पिला दी सुबह सुबह। एक बात बता, ये तू और तेरी दीदी एक ही स्कूल से फेल हुए हो? अरे आपको कैसे पता ये वाली बात? अरे हमने तो किसी को बताई भी नहीं थी ये बात। एक्सपीरियंस। हाँ ये बात तो है। ठीक है तो तुम दोनों भाई बहन आपस में बातें करो, मैं जरा आता हूँ। फिर गिर गई मेरी गोटी। कोई नहीं चल देख, फिर पांच आ गया। अरे यार मैं नहीं खेल रहा यार, मेरे को सांप सीढ़ी खेलनी है। चुन्नू यार तू हर बार ना ऐसे ही करता है, ले नींबू पानी पी ले। ओए मेरे मास्टर शेफ जीजा जी। आइटम बनाई है जीजा जी ने, मजा आ गया। दीदी जीजा जी ने जैन चिकन जी को फेल कर दिया। एक मिनट, ये एक बात मेरी थोड़ा ध्यान से, इसके अंदर से मेरे को सरफ की बदबू आ रही है, ग्लास ढंग से धोया करो ठीक है। लीजिए आओ दीदी साफ सीढ़ी खेले। अरे हरामजादे को ना किस दिन जान से मार दूंगा, सोते हुए ना इसके मुंह पे छिड़क दूंगा, तड़प तड़प के मरेगा। इससे नहीं मरेगा। क्या है? अरे मैंने बहुत बार ट्राई करा, आजकल के मच्छर ना कमीने हो गए हैं, इन सब से नहीं मरते, ये किसी काम का नहीं है, फेंक दो इसे। ये दोनों भाई बहनों ने मिलकर ना मेरा जीना हराम कर दिया है। फाइनली हो गया सारा काम। थक गया बहुत, थोड़ी देर सो लेता हूं। कल तो बहुत अनरोमांटिक हो रही थी,
आज क्या हुआ, एकदम से प्यार जाग गया? क्या कर रहा है हमारे बेडरूम में? वोट डालने गया हुआ है। बेडरूम में लोग क्या करते हैं? सोते हैं ना। सोने गया हुआ था। तुम क्या कर रहे थे? अच्छा, वो सो रहा है और मैं 2 मिनट के सोने चला गया, तेरे को मिर्ची लग गई। तुम्हारा काम हो गया? काम? जब देखो तो बस काम काम काम। तू अंधी है हा? तेरे को दिखाई नहीं देता। ये देखियो, ये तुझे सफाई दिखाई नहीं दे रही पूरे घर में? ये तो मुझे दिख रहा है। तुमको ये दिख रहा है? हां, वो दिख रहा है तुमको? क्या हुआ, सफाई का भूत उतर गया? तुम मर्दों की ना यही प्रॉब्लम है, तुम्हें सब कुछ करा कराया मिल जाता है तो तुम्हें लगता है हाउस वर्क की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। 4 चीज को उठाकर यहाँ से वहां रखना है, एक बार खाना बनाना है, एक बार झाड़ू पोछा लगाना है, उसके अलावा कुछ काम तो घर में होता नहीं, तो इस वर्क की कोई इकोनॉमिक वैल्यू भी नहीं है। सुबह उठने से पहले तुम्हें ब्रेकफास्ट मिल जाता है, ऑफिस जाने से पहले तुम्हें लंच मिल जाता है और वापस आते हुए तुम्हें डिनर मिल जाता है, तो तुम्हें लगता है घर का तो कोई काम होता ही नहीं। ये प्रॉब्लम ना हमारी संस्कृति में ही है कि हमारी औरतों को ना शुरू से सिखाया जाता है सारी चीजें खुद करने का, जिसके वजह से ना तुम इतने ज्यादा बिगड़ जाते हो। एक दिन एक आदमी एक औरत का सारा घर का काम कर ले ना, तो उसे उसकी नानी याद आ जाएगी। और बेबी जिसकी नानी बचपन में गुजर गई हो तो उसे नानी कैसे याद आएगी? तो उसे मैं उसकी दादी याद दिला दूंगी। मैं तो मजाक कर रहा था। देख, मैं मान गया कि एक औरत का काम ना सिर्फ औरत ही कर सकती है, एक घर को बनाने में औरत का हाथ है और वो संभाल भी एक औरत ही सकती है। मुझे माफ कर दे, मैं आज के बाद ना कभी तेरे पे गुस्सा नहीं करूंगा और हमेशा तेरा हाथ बटाऊंगा हर काम में। आई लव यू। आई लव यू टू। चल मैं नहाने जा रहा हूँ, ठीक है? तुम जाओ, मैं करती हूँ। थकावट हो गई। बेबी, तुम इतनी सफाइयां करती हो, पूरा घर साफ करती हो, झाड़ू पोछा बर्तन सब करती हो, तुम्हें गुस्सा नहीं आता? क्यों? मतलब मुझे तो बहुत आता है। तुम्हें क्यों गुस्सा आता है? तुम तो सफाई करते भी नहीं हो। नहीं मतलब एक दिन में मैंने जो सफाई करी है उसमें मेरी हालत खराब हो गई। तो तुम्हें नहीं आता ऐसे गुस्सा जब मैं कोई भी सामान इधर उधर फेंक देता हूँ तो? अरे बहुत गुस्सा आता है। तो तुम क्या करती हो? कुछ नहीं, बस टॉयलेट साफ कर लेती हूँ कभी कभी। टॉयलेट क्यों? टॉयलेट साफ करने से गुस्सा निकल जाता है ना। तो टॉयलेट साफ करने से फ्रस्ट्रेशन निकल जाती है कि कैसे? अरे तुम्हारी टूथब्रश से टॉयलेट साफ करती हूँ मैं। म्यूजिक। भाग दूंगा यार, पिछली बार की अलग बात थी, वो कुछ प्रॉब्लम। ठीक है, मैं आपको करता हूँ। ओके। अरे जी अजी, इतने खुश कैसे लग रहे हो आज, हैं चमक दमक रहे हो। बस तू चला जाएगा तो और खुश हो जाऊंगा। मेरा मतलब है कि तू जब खाना खाएगा तो और खुश हो जाऊंगा। अरे भाई, अपने भाई के लिए खाना ले आओ। जिया जी, मतलब ये आप रोज खाते हो या फिर स्पेशल ओकेजन है कोई इसलिए कुछ पकवान बने हैं? ये जो चने देख रहा है ना, ये तू आया है इसलिए, वरना तो डिनर में मैं बिस्किट ही खाता हूँ। चलो दीदी, मेरे लिए ना खाना मत बनाना और पैक भी मत करना, ठीक है? मैं वैसे ही बहुत ज्यादा लेट हो रहा हूँ, चले जाना चाहिए अब। वो मैं कह रहा था जिया जी, थोड़ा 2000 रुपये मिल जाते तो सही रहता। 2000 रुपये? क्यों? अरे एक बार बता, वो जो तूने पहले मुझसे 20,000 रुपये ले रखे हैं, वो कब वापस करने वाला है तू? दे दो ना, 2000 रुपये तो हैं। करवाते यार 2000। अरे यार देख, मेरे पास ना कैश नहीं है, वो ATM से निकालना मैं भूल गया हूँ। कोई बात नहीं, आप मेरे को गूगल पे कर दो, फोन पे कर दो, पेटीएम कर दो, UPI कर सकते हो, PayU कर सकते हो, ATM कार्ड दे दो, मैं निकाल लूंगा कैश। मेरे फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है और मेरे पास तो फोन ही नहीं है, अभी पता नहीं कहाँ रखा हुआ है। टीवी देखते ना, टीवी न्यूज़।
आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। ये क्या बोल रहे हैं? तू क्या कर? तू अभी निकल जा फटाफट, वरना ना लेट हो जाएगा तो तू यही फंसा रह जाएगा 21 दिन तक। जा 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 जा। ये तेरे 2000 रुपए। अरे वो ज्यादा है। हाँ कोई नहीं, मैं निकलता हूँ फिर है, अभी तो बहुत टाइम। 5 मिनट बचे, तू अभी चला जा, तू पहुंच जाएगा। अरे कौन है? हंटा वायरस और उसकी बीवी। आ जाओ, आखिर तुम्हें भी तो देखने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं? हाँ मुझे भी तो देखने का मौका मिलना चाहिए। न्यूज़ देखी दादाजी, 21 दिन का लॉकडाउन हो रहा है, तो हमने सोचा बुड्ढा कि किस दिन अपनी बेटी दामाद के साथ रहेंगे, मजा आएगा। हाँ बहुत मजा आएगा, हम ना चारों बंदे लूडो खेलेंगे। पानी पिला दे बेटा। पानी नहीं, नींबू पानी बोलो, बेटी के घर का पानी नहीं पीते। सुनो नींबू पानी बना दो और बर्तन ढंग से धोने इस बार। आपको ये वीडियो बहुत 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 ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट्स में बताओ अपना बेस्ट पार्ट और शेयर करो अपने सभी 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 दोस्तों के साथ। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और ये बेल नोटिफिकेशन का जो घंटे का निशान है उसको दबा दो ताकि आगे जो भी वीडियोज आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो में मेरे साथ है स्वरा और गौरव अरोड़ा, उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करो। यहाँ पे मैंने उनके चैनल का लिंक भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन में और यहाँ भी आ रहा होगा, प्लीज जाके सब्सक्राइब करो। और हम तीनों को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो गाइज, इंस्टाग्राम पे हम छोटी छोटी फनी वीडियोस बनाते हैं और हमारी स्टोरीज देखो इंस्टाग्राम पे जाके, अभी जाओ फॉलो करो, प्यार दिखाते रहो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, लव यू, बाय बाय।